सो हेलो किसके चुरुस भी लोगों के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं चुका हूँ ओल्ड बेसिन में, सच में ओल्ड बेसिन में आया हूँ, थर्ड हिल में नहीं आया हूँ क्योंकि मैं थर्ड हिल को ओल्ड बेसिन बोलता हूँ बहुत बार। अब जो भी मैं उतरा मुझे गन तो मिल जाती है जो कि नाम नाम की गन होती है, बट कोई नहीं। अब यहाँ पे बंदे आते हैं लेकिन मुझे अभी तक दिखे नहीं थे, मतलब काफ़ी देर हो चुकी है, देख सकते हो मुझे क्या क्या नहीं मिल चुका है, पर बंदे अभी तक नहीं मिले। मेरा टीममेट बताता है कि हाँ भाई बंदे तो है लेकिन टीम अप वाले हैं, मीटअप वाले बंदे हैं, तो अपन जाते हैं मिलने और देखना भाई इनकी बातें सुना जरा। गेम ओवर टीम अप ब्रो। हेलो हेलो दिक्कत ब्रो, मैं तो बांग्लादेश हो रहा भाई सामने। अब ये बंदे देखो बांग्लादेश से होते हैं और यहाँ पे मैं बोट ही मार सकता हूँ क्योंकि रियल प्लेयर तो मार नहीं सकते भाई, ये दो ही है यहाँ पे रियल प्लेयर। भाई से हाय हेलो करते हैं इन दोनों से और फिर हमें निकलना होता है। हम गाड़ी पकड़ते हैं गाड़ी, लेकिन मैं देखो क्या करता हूँ, कोई भी उतार सकता हूँ मुझे, यही थोड़ी हाय ये स्टंटबाजी की आदत पता नहीं भाई कब छूटेगी मेरी। अब क्या कर सकते, पानी में चली जाती अपनी गाड़ी, गई गाड़ी पानी में। अब हमें देखो स्की करते करते देखो कहाँ से पैदल चलना पड़ता है, वैसे अगर मैं अच्छी तरह स्टंट नहीं करता तो कब का मैं कहाँ पहुँच जाता, बट कोई नहीं। यहाँ से मुझे गाड़ी मिलती है और गाड़ी लेके हमारे अपार्टमेंट के पास, बिकॉज यहाँ एक ड्रॉप आ रखा था और उस ड्रॉप पर ऑलरेडी एक बंदा चिपका पड़ा है, देख सकते हो आप। और इस बंदे ने भाई हद कर दी, मतलब अगर ये हमें कंफ्यूज करना चाह रहा था तो इसको गाड़ी से निकलना था ना उस तरफ। इस डैश को मैंने मारने का ट्राई करा और यहाँ पे एक बग्गी भी आ चुकी है देखो, और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा था, मतलब भाई गलती एम हो गया, कहाँ आसमान में कर रहा हूँ मैं, जो भी हो इस तरफ मैं आता हूँ। यहाँ पे इनकी बहुत सॉलिड फाइट हो चुकी थी और अब देखना जो थर्ड पार्टी होने वाली है, मजा आएगा तुम। सबर ही तो ना होता भाई, सबर ही तो ना होता। अब देखना इस बंदे को डैमेज दिया मैंने, काफी डैमेज दिया और मैंने सोच रहा था भाई टीममेट आ चुका है, ये किल चोरी करेगा, मुझे एक किल यहाँ पे निपटाना पड़ेगा और मैं दो किले भागता हूँ, एक्चुअली चार किले, क्योंकि तीन बंदे मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ। यहाँ पे चार बंदे थे दो टीम से जिनमें से तीन बंदे मैंने मार दिए। बंदे भी सोच रहे होंगे भाई ऐसे बेशर्म बंदे नहीं देखे आज तक। अब जो भी हमने गाड़ी पकड़ी वापस से और हम यहाँ पे इजी स्टिक वाले एरिया में घूम रहे थे, तभी यहाँ से गनशॉट की आवाज आती है, दो टीम्स वापस लड़ रही थी तो मैंने सोचा चलो चलन तो थर्ड पार्टी वापस से। थर्ड पार्टी तो मैंने यहाँ पे कर दी पर मैंने यहाँ पे स्कैम भी कर दिया। गेमो बॉय बोल रहा था ये बंदा, लेकिन भाई पता नहीं है वही बांग्लादेश वाले मीटर वाले बंदे थे फिर कौन था, हमें पता नहीं चला। आउटफिट देखो हमको याद नहीं थी, हम बिल्कुल मतलब जिसे कहते ना भर रखे थे अंदर से कि हाँ थर्ड पार्टी करनी है और हमने मार दिया यार, पता नहीं था। जो भी हो वापस हमने गाड़ी पकड़ी और हम यहाँ पे स्टेडियम वाले एरिया में घूम रहे थे, स्टंट बाजी छोड़ दे लोंडे। अब हम वापस से गाड़ी घुमाते हैं और मैं इस वाले ड्रॉप की तरफ निकल रहा था, देख सकते आप लोग लाल लाल धुआं निकल रहा है ऊपर की तरफ और यहाँ इतने बंदे बॉस देखना तुम। चलो तीन किल मेरे को मिल जाता है यहाँ पे और भाई बंदे बोल रहे थे मत मारो, जबकि सारे के सारे मार रहे थे, बस वो गाड़ी वाला बंदा था जिसको मैंने बैठे बैठे को मार दिया, पता नहीं भाई कौन बोल रहा था, लेकिन मेरे सामने जो प्लेयर्स थे भाई वो लड़ रहे थे अगर तुमने देखा हो तो। मैं अपनी गन को चुप नहीं रख सकता था। अब यहाँ पे एक और टीम आ चुकी थी और मेरे साथ स्कैम होता है बहुत तगड़े वाला, ओम जी मेरे पास, मैंने देखा बंदा नेट टॉस कर रहा है यार और मैं देखना क्या करता हूँ, ओम लेके गया मुझे सामने, पर भाई ये ओम की गोली लोड हो रही थी जो कि मेरे को हर बार मरवा देती है और इस बार भी और यार कर लेते हैं किचन डिनर, टीम ने कराया पर वो मेरा भी किचन डिनर है भाई। इस वाला मैच में आया था फैक्ट्री में, हाँ फैक्ट्री में आया, इस बार मैं गलत नहीं बोलूंगा। और देखना मेरे को ऊपर एक गन दिखती है और पता नहीं क्या थी, मेरे ख्याल से क्रॉस बता, लेकिन बढ़िया मैं नीचे लैंड कर गया। यहाँ पे भी ऐसी तगड़ी गन मिलती नहीं है, बट सामने बंदों के पास ऑटो गन है, मजाक करो यार, ये भी बेचारे गरीब पड़े थे मेरी तरह, इनके पास भी M16 नहीं थी। वापस मैंने एक को नॉक करा, पूरा फिनिश करा मैंने और मेरे को फुटसिप से आते इनके आखिरी बंदे की, मतलब डुओ था ना।
अभी इस टाइम पे ना मुझको लग रहा था मैंने डुअर्स स्क्वाड तो नहीं लगा रहे, क्योंकि तीन बंदे एक तरह से मतलब ऐसा लगा कि पूरी टीम थी, पर नहीं यार ये अलग टीम के थे, एक बंदा अलग था और दो बंदे अलग थे, मतलब डुओ थे, वो डुओ खेला था ना मैं अब इस वाला मैच में, इस वाला मैच में क्या वही तो मैच चल रहा है। बग्गी लेके देखो मैं घूम रहा था, मैंने बीच में बहुत कुछ लूट लिया था, गिली सूडू मेरे को मिल चुका था और मुझे देखना सामने एक यूएस दिख दिया, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो थोड़ी ऑरेंजिश कलर की उस पर स्किन थी, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे। वो देखो अपार्टमेंट इधर निकलते हैं, मैं अपार्टमेंट के पास आया और वो लोग उस पार से नहीं निकले थे, मतलब पक्का बीच में ही रुके कहीं, और ऐसा ही होता है। ये देख के जरूर मजा आएगा तुमको, मुझे पता है भाई, मुझे पता है ना, आया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको दो थोड़ा मजा, मतलब टैप कर दो वहाँ पे, सही हो जाएगा। यहाँ से देखो मुझे फ्लेयर मिल चुकी थी जो कि कुछ ज्यादा काम आते नहीं है, हमें देखो जोन में निकलना पड़ता है वापस से, और हम जोन में तो आ गए थे पर भाई बंदे में मिल रहे थे पूरा, मतलब इतना घूमे बंदे मिले नहीं। तभी देखना लेफ्ट में जो घर है वहाँ पे मैं देखता हूँ और मुझे बंदा देखो बिल्कुल दरवाजे पे ऐसा खड़ा हुआ स्पॉट हो, जैसे तो बंदे मतलब ट्रेन में नहीं होते ऐसे खड़े, जो ट्रेन जाती सामने से तो ऐसे बिल्कुल दरवाजे पे खड़े रहते हैं, इस तरह कुछ ही बंदा खड़ा था। तो मैंने सोचा भाई ऐसे नहीं चलेगा, हेडशॉट पड़ सकता है, मैं क्या स्कोपिंग करा मैंने, और मुझे लगा कि हाँ भाई मैंने हेड की तरफ एम करा था, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई होगी मेरे से, पर उसको मेरा टीममेट मोली से नॉक कर देता है। अब ऑलरेडी मैंने उसको इतना ज़्यादा क्या बोला मैं ज़्यादा डैमेज कर देता तो इजीली वो नॉक हो जाता है और मोली से फिनिश हो जाता है, बट इसके बंदे को इसके टीममेट को मैं लपेटूंगा। भागने की नाकाम कोशिश बंदे के द्वारा भाग रहा था ये, लेकिन सही टाइम में मैंने इसकी टांग पकड़ के इसको पीछे खींच लिया। अब जो भी हो कंपनसेटर कब उठा रहा, देखो अब लास्ट टीम बची तब तो मैं कंपनसेटर उठा रहा हूँ। अब मैं देखो आइलैंड की तरफ घूम रहा था क्योंकि मिरांडो थी भाई इस पे, मतलब ऊंची जगहों पे बड़ी आसानी से जा सकता है, पर नीचे आते ना तो कुछ ऐसा होता है जो तुम देख रहे हो अभी। भाई क्या क्या ही घूमती यार ये गाड़ी, और सच में बहुत कमाल है, मतलब मेरी फेवरेट कार है भाई इस पबजी में लेट गेम। अब जो भी हो देखना मैं देखता हूँ राइट में पीला धुआं, मतलब कैसे भाई, वैसे हमारे पीला धुआं है, हमने यहाँ पे फ्लेयर चलाई थी जो मेरे को कुछ देर पहले मिली थी याद हो आपको, और ये बंदे हमारा फ्लेयर और सरकारी ड्रॉप भी लूट रहे, मतलब भाई कोई सा सेक्टर तो छोड़ो। स्मोक का कवर लिया मैंने क्योंकि मेरी हेल्थ काफी लो थी, उसकी भी काफी लो होगी क्योंकि 4-5 M14 छप चुकी थी, और अब एक दो और छप जाती है, बंदा नॉक हो चुका था इनके आखिरी बंदे की मार थी ना, दो बंदे अलाइव है एक नॉक डे, मतलब एक बंदा बच रहा है, और देखना एक छपती है और यार वंस अगेन कर लेते हैं किचन डिनर, और दो दो किचन डिनर हो चुके हैं, तो भाई ऐसे थोड़ी ना चले गए, हारना भी पड़ेगा एक बार, तो इस वाले मैच में आता पता है कहाँ पे, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं नहीं बताऊंगा, और फेवरेट घर मेरे को कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। यहाँ से UMP 45 मेरे को मिल चुकी थी और मैं इस वाले घर पर चलता था क्योंकि मेरा टीममेट भाई नीचे लग चुका था लूट करने के लिए, मुझे पता था वहाँ पे भी मेरे को गन मिल जाती, पर कोई बात नहीं मेरा टीममेट वहाँ पे घुस चुका था, M16 मिलते मुझे, पर अभी मेरे पास ठीक ठाक लूट है यार, एक ऑटो गन है जिसमें 25 M है तो चल जाएगा काम। मैं इस तरफ आता हूँ, यहाँ से हल्के से फुट से पाए बंदे हैं दोस्त, गलत दोस्त बोलते हैं यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये जो भी हुआ है ना भाई ये सच में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो भी हो क्या ही कर सकते हैं, ऊपर और भी बंदे थे वहाँ पे, मेरे को किल मिल जाएगा और देखना मेरा टीममेट जल्दी नॉक होने वाला है जल्दी, और मुझे बड़ी खुशी होएगी। मेरे टीममेट ने जो सॉलिड किल चोरी करा था ना उसकी सजा उसे यहाँ पे मिल जाती है, वैसे सजा तो फालतू की है, वापस जिंदा हो जाएगा भैया, नॉक ही तो हुआ है, पूरा फिनिश होना चाहिए था, बट इस हिसाब से तो मुझे हर मैच में फिनिश होना चाहिए। अब जो भी हो देखो मुझे एक बॉट दिखता है, और बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बंदा सामने की तरफ होता है वहां से स्कारल चल रहा था वो बंदा, तो मैं इस तरफ आता हूँ क्योंकि वहीं से अगर एंगल लूंगा ना तो हो सकता है वो बंदा नॉक कर दे, क्योंकि उसे पता है मैं वहां पे हूँ, तो बिना डैमेज खाए मैं यहाँ से थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता हूँ उसको, मतलब यू नो चालाकी कर गया मैं चला कि यहाँ पे मेरे ख्याल से वो बंदा तू बजा होना। अब देखो शायद से वो वहीं पे स्कोपिंग कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टन फेंका जिससे वो रिवाइव ना करे, पर बंदा ढीट निकलता है, बंदा ढीट निकलता है और अपन सुपर ढीट है, तो मैं तो सीधा रश करता हूँ बंदा। और मैं आपको बता दूं इस ड्रॉप शॉट से कभी इंस्पायर मत होना है, क्योंकि ये फालतू का ड्रॉप शॉट है जो मैं करता हूँ कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं काफी बार करता हूँ, मतलब बंदे को मार चुका हूँ उसके बाद मैं पसर जाता हूँ कि ले भैया ड्रॉप शॉट दे दिया, जो कि किसी काम का होता नहीं है, फालतू की एक्टिंग बाजी होती है। जो भी हो मैंने वापस साइड से कार पकड़ी और हम निकलते हैं सेंट्रल रोड की तरफ, एक ही लक्ष्य था अपना ड्रॉप था भैया ड्रॉप लूटने जाएंगे हम, लेकिन वापस से बंदे चिपके पड़े हैं, मतलब बंदे को ज़्यादा जल्दी नहीं आ सकते ड्रॉप पास। मेरे टीममेट ने जो किल चोरी करा था वो मैंने अच्छी तरह वसूल लिया यहाँ पे, बस 5-6, 3-4 गोली मारी, मेरे ख्याल से पता भी तो नहीं चलता भाई उसी की कितनी गोली कब निकल गई। अब हमने प्लान करा कि चलो गाड़ी लेके वापस से बंदों की तरफ निकलते हैं, और यस बंदों की आवाज़ आती है यहाँ थर्डल से, और अब थी स्टंट करने की बारी, और अब मैं क्या करता हूँ
हैवी ड्राइविंग कर जाता हूँ यार मैं, जब प्रॉपर स्टंट की जरूरत थी तब मैंने करी नहीं, और सच में हैवी ड्राइविंग थी यार। जरा तुम देखना काफी हद तक उस वाले स्टंट से मैच करेगी जो सच में हैवी ड्राइवर करता है। अब देखना मैं इस तरफ आ चुका था और अभी तक तो बंदे स्पॉट नहीं होते, बट गन शॉट की आवाज आई थी तो कोई ना कोई तो जरूर होगा। मैं रिलोड वगैरह करते हुए इस घर की तरफ आता हूँ, सामने हरा बंदा दिखता है, आई मीन हरी लंगोट पहने। बंदा ने प्री फायर तो काफी कमाल कर दिया बट भाई अब बुरी तरह फंस चुका है, बहुत ही कम गोले का बच रहा है बंदा। चलो ये बंदा तो नॉक होता है बट मेरा टीममेट साइड में नॉक हो चुका है भाई, पूरा फिनिश करता है भाई बंदों ने। अब कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वेट करता हूँ क्योंकि उसका टीममेट मेरे पे रश कर रहा था, मेरे पास यूजी थी, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि हाँ भाई मतलब मार सकता हूँ बंदे को, पर उसके पास एस्टल के थी यार, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है भाड़ में एस्टल के थी, तो इसलिए मैं भाई यहाँ से कूदता और पीछे से भाई बोट इंटेंस सिचुएशन में बोट परेशान करते ना तो अलग से गूज़बम्स आ जाते कि हाँ भैया कहीं और से पड़ रही है। अब जो अभी हील करा मैंने और मैं देखता हूँ रिवाइव चल रहा भाई, इजिली यूजी की गोली उतारेंगे और मौके पे 10 सा मारा मैंने यहाँ पे क्योंकि 10 किल डबल डिजिट किल मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। और अब मैं देखो ये नदी क्रॉस करके निकलता हूँ और ये देखो अपनी हैवी ड्राइवर वाली गाड़ी, देखो उस बंदे की भी देखो नदी में गई थी, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो, वो अलग बात है उसमें पानी कम था, इसमें कुछ ज्यादा ही है। अब गाड़ी मैंने वापस से पकड़ी और मैं जंकयार्ड में आ चुका था, पता नहीं मैं क्यों जंकयार्ड में आ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता जबकि जोन कहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ये जगह भूल गया मैं, चेक करते एक बार। और तभी देखना सामने जो घर है वहाँ पे छोटा सा आपको बंदा दिखा होगा बिल्कुल टेरेस पे चढ़ा हुआ, और अब तो पता चल गया ना वहाँ से बंदे मुझे डैमेज देते हैं M16 से। और मैं कुछ देर यहाँ शैक के पीछे वेट करता हूँ कि अभी जोन आ चुका है, कुछ देर बाद देखते हैं बंदे वहाँ से निकलेंगे तो मैं स्प्रे वगैरह मार दूंगा। और हाँ जोन आ चुका था, मैं निकलता हूँ आगे और ये बंदे भी बग्गी लेकर निकल चुके थे, अब ये लोग निकल चुके थे वहाँ से तो आएंगे तो देखो यहीं से जोन में जाना है, तो मैं इस तरफ देखता हूँ कि क्या सीन चल रहा है, यहीं से आएंगे कि नहीं। और आते हैं बंदे यहाँ से, एक दो गोली लगती है बट इस बार देखना मेरे ख्याल से बग्गी का टायर ना शायद से मेरे पैर के मतलब चिटली उंगली पे चढ़ गया था, नहीं करते किचन डर, कल मिलूंगा दोस्तों, बाय।